ऑल गाइस, आप लोगों को मेरे एक नए फ्रेश कमाल वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। जैसे थंबनेल में हम लोग देख लिया होगा, व्हाट्सएप क्या चीज़ है, किन्होंने बनाया था, कब शुरुआत हुई, व्हाट्सएप के अंदर आज फेसबुक क्यों लिखा आ रहा है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑल डिटेल्स बताने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप के ओनर आप कौन है, तो गाइस सब कुछ, पहले किन्होंने शुरुआत की थी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर क्या कुछ है, सब कुछ पूरा स्टोरी आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हैं इंडियन सोला का चैनल। वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल इंडियन सोला का चैनल को और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मेरे भाइयों और भाइयों, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये व्हाट्सएप के पिता कौन थे, व्हाट्सएप के कैसे बोलूँ इन्वेंटर कौन थे, व्हाट्सएप के कैसे बनाया गया था, व्हाट्सएप को किन्होंने बनाया था। उनका नाम है 1976 में जो जन्म हुए थे यूक्रेन के एक शहर में जान कोंग, यानी नाम को याद कर लीजिए, बहुत लोगों को मालूम भी होगा लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों से नहीं मालूम, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस उनका नाम है जान कोंग, लेकिन आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन इनके बारे में और डिटेल के साथ बात करें तो ये एक यहूदी परिवार में काम कर रहे हैं, जन्म लिए थे उन्होंने यहूदी परिवार में, जन्म लिए थे यूक्रेन के एक छोटे से गांव भी या शहर बोल सकते हैं आप लोग। उस दौर में यहूदी के 1976 में करीब उस दौर में कहीं बोल सकते हैं जो यहूदी हो वहाँ पे कुछ कैसे बोलूँ मुकाबला सा चल रहा था बोल सकते हैं, कुछ अजीब गरीब चल रहा था उस दौर में, कहीं यहूदी विद्युत बोल सकते हैं आप लोग, उस तरह का चलता था। गाइस उस दौर में उनका माँ के साथ वहाँ पे अकेले रहते थे, तो गाइस उस दौर में वहाँ पे रहना उनके लिए कुछ मुश्किल सा हो गया था उनके माँ के साथ। तो गाइस उन्होंने अमेरिकन सरकार की मदद से अमेरिका के माउंटेन व्यू में उन्होंने एक छोटे से फ्लैट खरीदा नहीं था, उनके जो अमेरिकन सरकार ने दिया था तो छोटे से फ्लैट में रहना चालू कर दिया और वहीं से पढ़ाई से लेकर सब कुछ वहीं से शुरुआत की थी उन्होंने बोल सकते हैं। तो गाइस हम लोग बोलेंगे तो वहाँ पे रहते तो थे तो खाते पीते क्या थे, तो गाइस उनके माँ ने एक ग्रोसरी शॉप में काम करने से कर दिया था, उनके माँ के साथ जो जान कोंग थे उन्होंने भी काम से कर दिया था कुछ साल के अंदर, और धीरे धीरे हम कैसे बोलो काम तो कर रहे थे। गाइस धीरे धीरे जो जान कोंग बड़े हो रहे थे उनका जो पढ़ाई के ऊपर इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही थी और उनका कंप्यूटरिंग प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी। तो गाइस ये बोल सकते हैं इस प्रोग्रामिंग को, इस कंप्यूटर को, इतने ज़्यादा पढ़ाई को चाहत देख के उनके माँ ने उनको सैन जोसेफ यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन दिला दी। तो गाइस उस दौर के जो कंप्यूटरिंग प्रोग्रामिंग के कुछ अच्छे वाले यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं ऐसा ही था। तो गाइस उनके उस दौर में जो गाइस उनको उस कॉलेज में उसके माँ ने कैसे एडमिशन दिला दी, तो गाइस उनके पास गाइस उस दौर में कंप्यूटर नहीं था। गाइस हम लोग बोलेंगे इतना गरीब थे, ऐसा भी नहीं था, उनके पिता जब यूक्रेन में रहते थे उनके पिता एक कैसे बोल लाकड़ी काटते थे, जो कटोरे बोल सकते हैं हम हिंदी में बंगाली में, लेकिन जब उन्होंने फ्लैट में जब अमेरिका के माउंटेन व्यू पे रहना स्टार्ट किया था उनके माँ के साथ, वो भी ग्रोसरी शॉप में काम किया करते थे, धीरे धीरे उनका भी खुद का भी छोटा सा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। थोड़े वैसे पैसे भी उन्होंने कमा लिए थे उस दौर में, लेकिन फिर भी उन्होंने कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं खरीदा, उनके माँ ने उस पैसे को कैसे बोलो उस बड़े से कॉलेज में एडमिशन के लिए खर्च कर दिए और उनको उस बड़े से कॉलेज में उनको एडमिशन मिल गई, लेकिन उनको कंप्यूटर खरीदने से भी ज़्यादा खुशी मिली उस कॉलेज में एडमिशन देख के। तो गाइस उनको माँ को भी खुशी हुई, वो आप बोल सकते हैं उस दौर में जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की चाहत उस कॉलेज में भी उनकी कम नहीं हुई, उनके जो गाइस कंप्यूटर के प्रोग्राम थे उनके पास से कंप्यूटर तक नहीं थी, लेकिन वो पढ़ाई को आप बोल सकते हैं बिल्कुल सुन सुन के पढ़ पढ़ के वो अपने दिमाग में याद कर लेते थे। तो गाइस आपको पता है इसका दिमाग कितना तेज था, जो गाइस उनका दिमाग इतना तेज था वो पढ़ाई को अपने दिमाग में बिठा लेते थे बिना कंप्यूटर के। तो गाइस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं बिना कंप्यूटर के, तो गाइस उन्होंने सब लोग बोलेंगे तो गाइस दिखाने की पढ़ाई है, लेकिन आज के दौर में जो गाइस वो व्हाट्सएप के किंग बोल सकते हैं, तो गाइस वो कोई दिखाने की पढ़ाई नहीं थी, वो काम की पढ़ाई थी, उन्होंने उनके दिमाग में गाइस बोल सकते हैं आज भी वो पढ़ाई होगी। तो गाइस उसी लिए तो उन्होंने व्हाट्सएप की इन्वेंट की थी। तो गाइस आप लोग बोलेंगे जो कॉलेज से जब ड्रॉप आउट है, तो गाइस कॉलेज से जो अपने कॉलेज जब ख़त्म हो गया बोल सकते हैं आप लोग, तो गाइस
तो भाई कॉलेज जब ख़त्म हो गया तो भाई तो उनका जो बोल सकते हैं जो नौकरी की उनकी जो पढ़ाई थी गई तो वो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा हमने कॉलेज में भी सीरियसली लिया और उनके जो उनके माँ के साथ भी हाथ बढ़ाते थे काम में। तो भाई से इसलिए उनके जो पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं रुकी बोल सकते हैं। उन्होंने बेझिझक पढ़ाई को आगे चालू रखा और उसके कुछ ही सालों के अंदर कॉलेज के बोल सकते कॉलेज से निकलने के बाद ही उनको याहो भाई उस दौर में जो आज के दौर में जो गूगल है उस दौर में जो वेबसाइट था गई तो वो है याहो। याहो को जो कैसे बोलो आप लोग सभी लोग पहले से ही जानते थे याहो के नाम से। तो भाई से गूगल के तरह एक ऐप थी तो भाई तो वो अभी भी है गई लेकिन उस याहो कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। तो भाई से उनके जो कंप्यूटरिंग प्रोग्रामिंग उनकी इंटेलिजेंस को देख के याहो कंपनी ने उनको नौकरी पर लग लिया। तो भाई से उस दौर में गाइस बोल सकते हैं इन याहो कंपनी में कुछ साल काम भी किया। तो भाई से बहुत साल काम किया लेकिन कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ लेकिन काम तो कर सके वो लोग लेकिन उनको कहीं से पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे बोलो काम में ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं था तो उनका सब कुछ खुद का कुछ करने का अपना चाह था इसलिए उन्होंने कहीं से कोर्स एक साल के लिए छुट्टी ले ली वो सकते एक साल के लिए काम को छोड़ दिया। उनके एक पार्टनर भी थे जिनका नाम है उसका नाम मैं आगे बता दूँगा उनके साथ उन्होंने करीब एक साल के लिए हम कैसे बोलूँ छुट्टी लेके छुट्टी नहीं बोलते काम ही छोड़ दिया बोल सके पूरी अमेरिका की सैर की और पूरी की बोलो माइंड को बिल्कुल फ्रेश किया। तो कहीं इतने सालों के स्ट्रेस को स्वयं साइड में रख के पूरी कैसे बोलूँ पैसे को खर्च करके पूरी की पूरी अमेरिका की सैर की सब कुछ घूमा। उसके बाद जब काम करने की फिर से चाहत आई उन्होंने फेसबुक के अकॉर्डिंग कहीं दरवाजे को खटखटाया लेकिन उनको फेसबुक से भी निकाल दिया गया क्योंकि वो सब लोग सोचते फेसबुक पे जो व्हाट्सअप थे तो जो व्हाट्सअप के इन्वेंटर थे जो है जान कोंग वो बिल्कुल भी काम कैसे बोलो काम ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते थे कहीं बोल नाकारा समझते थे ऐसे ही बोल सकते। तो बैकग्राउंड के जो उनको याहो कंपनी में काम करते थे कहीं वहाँ पर भी उनको फिर से काम नहीं मिला। तो भाई बाद में वो ट्विटर में भी अप्लाई किया तो भाई उस दौर के ट्विटर में भी उनको काम नहीं दिया। तो भाई उस दौर में कहीं ये हर जगह दरवाज़ा खटखटा के उनको थक गए बोल सकते हैं। तो भाई से उनके पास भी थोड़ा पैसा था तो भाई बिजनेस माइंड आदमी थे भाई तेरा पैसा तो रखेंगे थोड़ा भाई थे कहीं तो उस दौर में जो उनके पार्टनर के साथ थोड़ा सा बोल सकते हैं। तो भाई जो व्हाट्सअप की इन्वेंटर की शुरुआत की थी लेकिन फिर भी उनके पास जितना पैसा था व्हाट्सअप को इन्वेंट करने के बाद भी कोई ऐसा नहीं होता उसको मैनेजमेंट भी करना था सब लोग के साथ उसको करना था इसलिए उनके जो पुराने ऑफिस फ्रेंड थे उनको भी साथ में मिला लिया उनसे भी थोड़ा थोड़ा पैसा ले लिया जो आज शेयर के नाम से हम लोग जाते हैं जो थोड़ा थोड़ा शेयर दे दिया उन लोगों को और उनसे थोड़ा पैसा ले लिया सब लोगों को सब पैसे को मिला के उनको व्हाट्सअप की शुरुआत की। तो भाई सबसे बोलेंगे व्हाट्सअप की शुरुआत ऐसी हो गई थी नहीं उस दौर में व्हाट्सअप की कोई नाम ही नहीं थी। तो भाई से सब लोग अमेरिका से गए हम लोग हाई हेलो करते हैं तो भाई से हम हेलो अच्छे हैं बूढ़े बोलते हैं लेकिन अमेरिका में व्हाट्सअप बोलते हैं हम लोग जानते ही है। तो भाई उसी नाम को ध्यान में रख के तो हाई हेलो के नाम से आप बोल सकते हैं व्हाट्सअप नाम की शुरुआत हुई जो आज के दुनिया में वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। व्हाट्सअप जो आज के कैसे बोलो सब लोगों के मोबाइल में आप लोगों को मिल ही जाएगा ऐसा ही बोल सकते हैं। तो सब लोग बोलेंगे जो हमने पहले ही बोला जो फेसबुक का नाम क्यों आ रहा है व्हाट्सएप के अंदर। तो गाइस व्हाट्सएप जो थोड़े से पैसे थे जो शुरुआत की थी जो पूरी दुनिया का इससे उनको नाकारा निकम्मा समझते जो एक साल की छुट्टी लेने के बाद तो गाइस उनको जो गाइस $1 बिलियन में बहुत लोग बोलते हैं व्हाट्सएप को बेच दिया था तो फेसबुक के अकॉर्डिंग नहीं उनका सिर्फ थोड़ा सा शेयर बचा था। तो भाई जो व्हाट्सअप ने उसको छोड़ दिया था गाइस फेसबुक ने फिर भी उन्होंने शेयर क्यों बेचा था बाद में जब पता चला व्हाट्सअप इतना ज़्यादा कैसे बोलो डेटा वेस्ट बन चुका था तो भाई फेसबुक तो डेटा का लॉन्च भी आप लोग जानते ही है तो उनको डेटा खरीदना था उन्होंने व्हाट्सअप का शेयर खरीद लिया व्हाट्सअप के अंदर कहीं 1 बिलियन का डेटा का शेयर खरीद लिया लेकिन व्हाट्सअप के अंदर तो भाई तो फिर जो व्हाट्सअप के ओनर थे वो भी कैसे एक साल का पहले की बात करें तो आप वो भी थे बोल सकते गाइस कुछ साल 2014 में गाइस बोल सकते 15-16 वो भी था जो जानकोंग थे वो भी उनके साथ थे। तो भाई कुछ साल भी नहीं हुआ आप बोल सकते आप फेसबुक लिखा रहा है
काइब महीना या साल ही हुए होंगे, वो पूरा काइब उनका पूरा जो शेयर था सब कुछ फेसबुक को बेच दिया, मार्केट को बेच दिया, करीब $20 billion। आप लोग सोचते थे $20 billion, 19 billion में कहीं 19 billion से बहुत गया था, इसलिए मैंने बोला $20 billion। तो गाइस ये $20 billion तो कहीं तैरते ही नहीं थी, इनका जो हमने यूज़ करेंगे वो पूरे दुनिया को घर पे घूमने के लिए खर्च करेंगे। आज उनका पता आप लोगों को दुनिया के कोने कोने में मिल जाएगा, व्हाट्सएप के इन्वेंटर। तो गाइस जान को तो वो आज दुनिया घूमते हैं। तो गाइस ये $20 billion का इंडियन करेंसी में कमर कन्वर्ट करे तो कहीं से 1,40,000 crore से भी ज़्यादा हो सकते हैं आप लोग, 1,40,000 से भी ज़्यादा, कहीं 1,50,000 crore के आसपास ये व्हाट्सएप की 1,50,000 crore इंडियन करेंसी में 1,50,000 crore का मालिक है व्हाट्सएप ओनर जान कौन। तो भाई इसे जो पूरी दुनिया उसको नाखड़ा निकम्मा समझती थी, आज वो 1,50,000 crore का मालिक है और पूरी दुनिया के अंदर ऐश करके कैसे बोलो ऐश का ऐश कर रही है। उनको सही समय में उनको कैसे बोलो उनको इच्छा थी उनको पूरी दुनिया घूमना, इसलिए उनके सही समय में पूरी की पूरी ये स्ट्रेस वाले व्हाट्सएप के जो कैसे बोलो पूरी मैनेजमेंट को इससे दूर जाने आने के लिए उनको सब कुछ बेच दिया। आज वो 1,50,000 crore का मालिक है और पूरी दुनिया के अंदर वो राज कर सकती है बोल सकते आप लोग। तो भाई आज के लिए इतना ही, आप लोगों को पूरा व्हाट्सएप के अंदर और व्हाट्सएप के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ कि फेसबुक इसलिए आ रहा है, पूरा शेयर फेसबुक को बेच दिया इसलिए फेसबुक लिखा आ रहा है। तो भाई इस डेटाबेस के लिए फेसबुक ने पूरा व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो आज के लिए इतना ही, आप इस वीडियो के यही पेंट करते हैं। तो भाई आप मेरा नाम है सोहेल, आप लोगों को मालूम ही चल गया होगा। तो भाई इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अभी तक क्या कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज आप लोगों से एक शेयर करना चाहता हूँ, तो गाइस मैंने सोशल मीडिया में अकाउंट बना लिया है, तो गाइस आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, आप लोग खुश रहिए अच्छे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।